Very good afternoon, all of you. Today we'll lecture about the pharmacology, previous year exams questions of the pharmacology. That is session for the DMER, GMCH and AIIMS Patna. Previous year exams में आए हुए questions के बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे कि किस तरह से previous year exams में question पूछे गए थे. Pharmacology, नाम से ही पता लग रहा है, study of drugs. फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स. किस तरह से फार्मेकोलॉजी में दो ब्रांचेज आती है, एक का नाम होता है फार्मेकोडायनेमिक्स और एक का नाम होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स. दोनों बातें ध्यान से समझना कि मैंने आपको बताया फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है ड्रग्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ ड्रग्स, फार्मेकोलॉजी. फार्मेकोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स. इसकी स्टडी दो ब्रांचेज के अंदर की जाती है. इसकी दो ब्रांचेज होती है, एक होती है फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स, और एक होती है आपके सामने फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स. सर फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स दो इसकी ब्रांचेज होती है जिसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है. सर एक का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी और सेकंड का मतलब होता है बॉडी का इफेक्ट ऑन ड्रग. दोनों अलग अलग ब्रांचेज होती है जिसमें एक का अध्ययन किया जाता है फार्मेकोकाइनेटिक्स में और दूसरे का मतलब किया जाता है फार्मेकोडायनेमिक्स में. वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन. हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन फॉर फार्मेकोलॉजी, ध्यान से समझना. क्वेश्चन नंबर वन फार्मेकोलॉजी का क्या कहता है? ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आता है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी. मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको बताना है किसका? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का. सर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोलाइटिक मतलब कोई थ्रोम्बस जमा हुआ है उसके लिए. जैसे कोई डीवीटी का केस है और डीवीटी में आप एलएमडब्ल्यूएच दे रहे हैं, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन दे रहे हैं, एलएमडब्ल्यूएच, ये एक किसकी तरह काम करता है आपके सामने? थ्रोम्बोलाइसिस की तरह काम करता है. तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? आपके सामने एम्स में भी आया हुआ है, एम्स पटना के अंदर पूछा गया है, जीएमसीएच में भी पूछा गया है, नॉर्सेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस के अंदर. थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का क्या साइड इफेक्ट है मोस्ट कॉमन? पहला कंपार्टमेंट सिंड्रोम, दूसरा इंटरनल ब्लीडिंग, तीसरे नंबर पे मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज, चौथे नंबर पे अक्यूट रीनल फेलियर. यदि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का मतलब एम क्या होता है? एम मतलब उद्देश्य. आप क्यों दे रहे हो? आप इसलिए दे रहे हो कि ब्लड का क्लोट ना जमे, और ज्यादा मात्रा में ब्लड क्लोट ना करे. तो क्लोट को लाइसिस करने के लिए आप क्या दे रहे हो? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी. तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, यदि ज्यादा मात्रा में एलएमडब्ल्यूएच आपने दिया तो ये बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में क्या करा देगा? ब्लीडिंग करा देगा. क्या करा देगा? ब्लीडिंग. तो इतने मोस्ट प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है. याद रखना इंटरनल ब्लीडिंग. क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग. दैट इज नॉट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी. सर व्हाट इज द मीन ऑफ द मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी? हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ये किस में आते हैं? मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज में आते हैं. तो सबसे मोस्ट कॉमन क्या जाता है बेटा? इंटरनल ब्लीडिंग. यस, क्वेश्चन नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना. Which of the following drug is used for the dilation of pupil? बहुत बड़ी बात बोली है. देखो बेटा, कौन सी ऐसी ड्रग है जो dilation of pupil में काम आती है? पहला जेंटामाइसिन, दूसरे नंबर पे ट्रोपिकामाइड, थर्ड नंबर पे लिवोफ्लोक्सासिन, चौथे नंबर पे बीटा मेथासोन. यस रोली यादव, वेरी गुड इवनिंग. बेटा ध्यान से समझना, विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो हमेशा कहीं ना कहीं टकराएंगे फार्मेकोलॉजी के अंदर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ऐसी कौन सी ड्रग है जो यूज आती है डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए. तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, जब डायलेशन ऑफ प्यूपिल का नाम आता है तो उसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? माइड्रियासिस. क्या बोलते हैं? माइड्रिया. क्या कहते हैं बेटा? माइड्रियासिस. सर सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कराता है? सुनना बेटा, दो चीज होती है, एक होती है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम. ध्यान से समझना सर,
ध्यान से, डायलेशन ऑफ प्यूपिल मतलब माइट्रियासिस कौन सी ड्रग कराती है, उससे पहले आप समझो दो तरह के सिस्टम होते हैं आपके सामने, दो तरह के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। एक का नाम होता है बेटा सिंपैथेटिक सिस्टम, क्या नाम होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, यस, एक का नाम आपके सामने होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरे का नाम होता है आपके सामने पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, क्या है, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। सर सिंपैथेटिक सिस्टम क्या काम कराता है, सिंपैथेटिक सिस्टम माइट्रियासिस कराता है, क्या कराता है, माइट्रियासिस, माइट्रियासिस मतलब क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, प्यूपिल को क्या करता है, डायलेट करता है, जबकि पैरासिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, मियोसिस कराता है, क्या कराता है, मियोसिस कराता है, मतलब पिन पॉइंट प्यूपिल कराता है, पिन पॉइंट क्या करवाता है, प्यूपिल कराता है, कौन कराता है, सिंपैथेटिक, कौन सा वाला, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, कौन सा, पैरासिंपैथेटिक। एक एक चीज को समझो, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, आंसर आप दे दोगे, आंसर आपने, आपसे यदि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं आंसर तो आप दे दोगे, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, माइट्रियासिस करवाता है, मतलब प्यूपिल को डायलेट करवाता है, और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, पिन पॉइंट प्यूपिल। इसके अलावा ऐसी ड्रग्स जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के विरुद्ध काम करती है, ऐसी ड्रग्स जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के विरुद्ध काम करती है उन ड्रग्स को बोलते हैं पैरासिंपैथोलाइटिक्स ड्रग, क्या बोलते हैं, पैरासिंपैथोलाइटिक्स ड्रग, सुनना बेटा। सर ऐसी ड्रग्स जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के अग्नेस्ट काम करती है, जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के विरुद्ध काम करती है, उनको अपन किस नाम से बोलते हैं, पैरासिंपैथोलाइटिक ड्रग। सर कौन कौन सी आती है, सर पैरासिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा था, सर पैरासिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा था, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवा रहा था, मियोसिस करवा रहा था, क्या करवा रहा था, मियोसिस। तो पैरासिंपैथोलाइटिक्स ड्रग क्या करवाएगी, जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के विरुद्ध काम करेगी वो ड्रग क्या करवाएगी, माइट्रियासिस करवाएगी। तो पैरासिंपैथोलाइटिक्स ड्रग वो होती है जो क्या करवाती है, माइट्रियासिस करवाती है, कौन सी, माइट्रियासिस। सर इसमें एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल पहला होता है एट्रोपिन, याद रखना बेटा, एट्रोपिन ऐसी ड्रग है जो पैरासिंपैथोलाइटिक है और क्या करवाती है, माइट्रियासिस करवाती है। दूसरी कौन सी होती है आपके सामने, सुनना बेटा एक एक वर्ड जो बोल रहा हूं, सर कौन कौन सा, पहली डोज का नाम क्या बोला है मैंने आपके सामने, तो आप बोलना पहली डोज का नाम मैंने आपके सामने क्या बोला है, एट्रोपिन, क्या बोला है, एट्रोपिन, क्या बोला है बेटा, एट्रोपिन। दूसरी कौन सी होती है, होमोट्रोपिन, क्या नाम है, होमोट्रोपिन, क्या नाम है बेटा, होमोट्रोपिन। तीसरी ड्रग का नाम ट्रोपिकामाइड, कौन सी बेटा, ट्रोपिकामाइड, कौन सी ड्रग बेटा, ट्रोपिकामाइड। और चौथे नंबर पे ड्रग कौन सी होती है, जो चार ड्रग होती है जो पैरासिंपैथेटोलाइटिक्स की तरह काम करके माइड क्या करवाती है, माइट्रियासिस करवाती है। सर कौन कौन सी होती है, एट्रोपिन, दूसरी होमोट्रोपिन, तीसरी ट्रोपिकामाइड, और चौथे नंबर पे आपके सामने कौन सी होती है, साइक्लोपेंटोलेट, क्या नाम होती है, साइक्लोपेंटोलेट, क्या नाम होती है, साइक्लोपेंटोलेट। इन चार में से कोई सी भी ड्रग आ जाए तो ये क्या करवाती है बेटा, माइट्रियासिस करवाती है, क्या करवाती है, माइट्रियासिस करवाती है। सर ये कौन से रिसेप्टर पर काम करती है, आंख के अंदर जो मस्कुर्निक रिसेप्टर होते हैं M3 रिसेप्टर पर काम करती है, कौन से रिसेप्टर पर, M3। तो आंसर क्या जाएगा आपका, आप खुद देख लीजिए, अब आप बता दोगे डायलेशन ऑफ प्यूपिल कौन करवाती है, ट्रोपिकामाइड, कौन सी करवाती है, ट्रोपिकामाइड ड्रग क्या करवाती है आपके सामने, ट्रोपिकामाइड, कौन सी ड्रग करवाती है बेटा, ट्रोपिकामाइड, कौन सी, ट्रोपिका। तो ट्रोपिकामाइड ड्रग एक ऐसी है जो क्या करवाती है, माइट्रियासिस करवाती है, माइट्रियासिस। सर लीवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है और कौन से ग्रुप में आती है, फ्लोरोक्विनोनोल ग्रुप में आती है, कौन से ग्रुप में आती है बेटा, फ्लोरोक्विनोनोल ग्रुप में आती है, फ्लोरोक्विनोनोल अर्थात ग्रुप के अंदर आती है। बीटा मेथासोन किस में आता है, स्टीरोइड में आता है, किस में आता है, स्टीरोइड में आते हैं। आपके सामने जेंटामाइसिन भी क्या है, आपके सामने एंटीबायोटिक है। तो आंसर क्या जाएगा, ट्रोपिकामाइड एक पैरासिंपैथोलाइटिक ड्रग है जो क्या करवाती है आपके सामने, माइट्रियासिस करवाती है, क्या करवाती है, माइट्रियासिस, क्या करवाती है, माइट्रियासिस। ड्रग ऑफ चॉइस इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर माइट्रियासिस यदि आपको करवाना है तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एट्रोपिन, लेकिन एडल्ट में करवाना है तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्रोपिकामाइड, कौन सी होती है, ट्रोपिकामाइड, यस। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन है जो साइड इफेक्ट ऑफ द पेरिफेरल न्यूराइटिस, जिसका साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। एक ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, क्योंकि ये
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करती है हमारी बॉडी में, जहां पर विटामिन B6 बनता है। और एक तरफ आपने कौन सी ड्रग ले रहे हो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एक ऐसी ड्रग है जो विटामिन B6 की क्या करवाती है, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी करा देती है। और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कराती है, इस ड्रग का नाम होता है आइसोनियाजिड। क्या नाम है? आइसोनियाजिड। ये एक ऐसी ड्रग है जो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देते हैं। जब भी कभी एंटी ट्यूबी की ड्रग चलती है तो आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 गिफ्ट में दिया जाता है। सर किसको रोकने के लिए? पेरिफेरल न्यूरोपैथी को रोकने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 गिफ्ट में दिया जाता है। सर दोबारा बोल रहा हूं आपके सामने, आइसोनियाजिड के साथ में, आइसोनियाजिड जो आपके सामने है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसके साथ में अर्थात पायरोडॉक्सिन, कौन सा विटामिन बेटा? पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन विटामिन गिफ्ट में दिया जाता है। पायरोडॉक्सिन मतलब विटामिन B6, विटामिन B6 आपको गिफ्ट में दिया जाता है। सर क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी को। किसको प्रिवेंट करता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी को। क्या करता है बेटा? प्रिवेंट करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सी ड्रग पेरिफेरल न्यूराइटिस कराती है, आइसोनियाजिड। कौन सी? आइसोनियाजिड। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी को क्या करता है? रोकता है। क्लियर? यस। तो आंसर क्या जाएगा इसका आपके सामने? आइसोनियाजिड। कौन सा आंसर जाएगा बच्चों आपके सामने? आंसर जाएगा इसका आइसोनियाजिड, डी ऑप्शन। क्या जाएगा? डी ऑप्शन। सर पायराजिनामाइड आपके सामने प्रेगनेंसी में कभी नहीं देते हैं पायराजिनामाइड को। प्रेगनेंसी में दो ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरी पायराजिनामाइड। दोनों टैबलेट प्रेगनेंसी में अर्थात क्या करती है बेटा? फीटस पर गलत इफेक्ट डालती है, इसलिए दोनों नहीं देते हैं। इथाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल का नाम सुना है? इथाम्ब्यूटोल नाम सुना होगा आपने। इथाम्ब्यूटोल एक ऐसी ड्रग है जो आपके सामने आईज पे इफेक्ट डालती है, आंख पे, और रेड ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस पैदा करती है। कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे तो याद रखना, इथाम्ब्यूटोल एक ऐसी ड्रग है जो आईज पे इफेक्ट डालती है और क्या करती है आपके सामने रेड ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस पैदा करती है। इसका मतलब आंख के ऊपर दिक्कत पैदा करती है। नेक्स्ट रिफाम्पिसिन। सर रिफाम्पिसिन क्या ड्रग है? रिफाम्पिसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है आपके सामने, और ये एक ऐसी ड्रग है जो कैसे दी जाती है? खाली पेट दी जाती है, भूखे पेट देते हैं अपन रिफाम्पिसिन। ये सिक्रेशन के कलर को, सिक्रेशन के कलर को अर्थात कैसी कर देती है? सिक्रेशन के कलर को स्टेन करती है। सर इसका मतलब ऑरेंज कलर यूरिन, कभी क्वेश्चन आ जाए ऑरेंज कलर यूरिन किस ड्रग की वजह से होता है, तो आंसर में बोलना है आपको रिफाम्पिसिन। किसकी वजह से होता है? रिफाम्पिसिन। सर ऑरेंज कलर यूरिन की बात नहीं कर रहा, बॉडी के जितने भी सिक्रेशन है ना उनको क्या कर देती है? कलर स्टेन देती है। क्या देती है? कलर स्टेन। टीयर्स के जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, जो आंख के अंदर, ध्यान से सुनना, एक जो आपके सामने जो लोग अंदर आंख के अंदर जो कॉन्टेक्ट लेंस लगा के घूमते हैं, उन कॉन्टेक्ट लेंस वाले लोगों को यदि रिफाम्पिसिन टैबलेट चलती है तो रिफाम्पिसिन क्या करता है? उनके टीयर्स का कलर भी ऑरेंज कर देती है। तो उनका जो आपके सामने जो लेंस है वो स्टेन कलर ले लेता है, इसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। इसलिए रिफाम्पिसिन हमारी बॉडी के सारे कलर्स को क्या कर देती है? स्टेन कर देती है, सिक्रेशंस के कलर को। किसके कलर को? सिक्रेशंस। तो आंसर क्या जाएगा? आइसोनियाजिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है? सर वारफेरिन इंड्यूस्ड, यदि किसी को वारफेरिन इंड्यूस्ड ब्लीडिंग हो रही है, यदि किसी पेशेंट को वारफेरिन इंड्यूस्ड, वारफेरिन ड्रग की वजह से, वारफेरिन इंड्यूस्ड मतलब वारफेरिन ड्रग की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका आपके सामने एंटीडोट होता है विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के। तो क्वेश्चन याद रखना, वारफेरिन इंड्यूस्ड ब्लीडिंग का अर्थात क्या होता है बेटा? ड्रग आपके सामने एंटीडोट क्या होता है? आंसर में बोलना विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के। अब और एंटीडोट की बात कर लेता हूं। सर हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट। हिपेरिन का एंटीडोट कौन होता है? प्रोटामिन सल्फेट। एस्टाइलसिस्टीन, एस्टाइलसिस्टीन ये एंटीडोट होता है पैरासिटामोल का, जिसको साइंस की भाषा में एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है। एसिटामिनोफेन में कौन सी ड्रग आती है? पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल का अर्थात एंटीडोट कौन होता है? एन-एसिटाइलसिस्टीन। तो एक साथ काफी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके। आंसर क्या जाएगा? विटामिन के। आपने देखा है PT-INR एक बहुत बड़ा रेशियो होता है, आपने नाम से सुना होगा PT-INR। INR का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। INR का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल
international normalization ratio, normalized ratio, INR. Sir, ye kaise nikalte hain? INR kisi bhi lab se PT ka test ka result upon PT test ka control result, jo bhi aapka control result hota hai, jo WHO ne banaya hua hai, in dono ka ratio hota hai INR. Sir, treatment ka tarika hota hai, yadi kisi ka PT INR 0 se 5 ke beech mein hai, to koi treatment nahi dena, no treatment. Yadi kisi ka PT INR 5 se 20 ke beech mein hota hai, to vitamin K dena hai, kya dena hai? Vitamin K dena hai. Aur yadi kisi ka 20 se upar hota hai, to fresh frozen plasma lagana hai. Ye tarika hota hai aapka kiske bare mein? PT INR ke bare mein. To PT INR ke tarika hota hai treat karne ka tarika. सब विटामिन के तभी देना चाहिए जब पीटी आईएनआर का वैल्यू 5 से ऊपर है. कितने से ऊपर? 5. 1 एम्प्यूल आईएम ओडी लगा के 5 दिन तक लगाना चाहिए. उसके बाद में क्या कर देना चाहिए? बंद. वरना इंटरनल ब्लीडिंग होने का क्या रहेगा? खतरा रहेगा. चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 आता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन. हाइपरबैरिक ऑक्सीजन मतलब आपके सामने हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का मतलब होता है एक ऐसी ऑक्सीजन जिसका अर्थात जिसके अंदर FiO2 जिसका 80 या 90% हो. हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट. किस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दी जाएगी? पहला ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, दूसरे नंबर पे मर्करी पॉइजनिंग, थर्ड नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और चौथे नंबर पे नारकोटिक पॉइजनिंग. आप सभी को पता है एक नाम आपने सुना होगा एक गैस का जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड. हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये 300 गुना स्टेबल सब्सटेंस बनाती है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. क्या नाम है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक होती है. यदि कोई पर्सन इसके संपर्क में 13 घंटे तक रह जाए तो उस पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है. ये डाटा WHO के. यदि कोई पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में तो सर कार्बन, कुछ लोग ऐसे होते ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कुछ लोग अंगीठी जलाकर ठंड के मौसम में इस टाइम नवंबर दिसंबर के मंथ में बहुत सारे केस आते हैं कि अंगीठी जलाकर और आराम से गर्म होते हुए रूम में आराम से गेट बंद लॉक लगा के और सो जाते हैं. सुबह पता लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी की वजह से वो पेशेंट खड़े ही नहीं हो रहे. कोई पड़ोसी आके गेट को तोड़ रहा है और पेशेंट को बाहर निकाल रहा है क्योंकि उनको कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात पॉइजनिंग हो जाती है. और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का एक ही ट्रीटमेंट है आपके सामने हाइपरबैरिक ऑक्सीजन. क्या देते हैं? हाइपरबैरिक. तो आंसर में क्या जाएगा? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन. ओपीएस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग आपने देखा होगा. ओपीएस पॉइजनिंग इसका तो ड्रग ऑफ चॉइस ही एट्रोपिन होती है. क्या होती है बेटा? एट्रोपिन होती है. आपने ये चीज अलग अलग है तो मेस्ट आंसर क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. यस, क्लियर. क्वेश्चन को पहले समझो, उससे संबंधित मैंने आपको बताया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का अर्थात एक सब्सटेंस बनाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है. कार्बन डाइऑक्साइड से, या नॉर्मली बोलूं जो ब्लड के साथ में, ब्लड का मेन काम क्या है? ब्लड का मेन काम कुछ नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का बॉडी के टिश्यूज को प्रोवाइड करना. एक ऐसा लिक्विड है जो ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन ले जाने वाला कोई और दूसरा पार्ट होना तो ब्लड को हटा दो, बॉडी से कोई काम का नहीं है. बॉडी में मेन ब्लड का जो काम होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना. ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना, हर पार्ट को यदि ऑक्सीजन मिल जाए तो उसके लिए नॉर्मल. तभी तो आप शोक वोक ये चीज पढ़ते हो. शोक का मतलब ब्लड ऑक्सीजन कम होगी, हाइपोक्सिया में जा रहा है पेशेंट. समझ रहे हो मेरी बात? हाइपोक्सिया तो मेनली ये जो बीपी वीपी ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये तो चलो लिक्विड की वजह से बन गया, लेकिन मेन काम क्या है इसका? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना. यस, तो आंसर इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि ऑक्सीजन से 300 ज्यादा गुना स्टेबल पोटेंशियल बनाता है. किसके साथ में? किसके साथ में बेटा? हीमोग्लोबिन के साथ में. एक तरफ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जोड़ो, एक तरफ हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ो, तो ज्यादा अच्छा सब्सटेंस, स्टेबल सब्सटेंस कौन बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बॉडी के लिए खतरनाक होती है. क्या होती है? खतरनाक. यस यस कृष्णा मेरा, यस आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, पेशेंट केम टू ईडी. ईडी का मतलब होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट. इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ईडी का मतलब क्या होता है बेटा आपके सामने? इमरजेंसी डिपार्टमेंट.
patient came to aapke samne emergency department unconscious with pinpoint pupil. Bas yahan bol diya na, pinpoint pupil. Pinpoint pupil kisko batata hai? Organophosphorus poisoning ko, OPS poisoning ko. Lacrimation, iske alawa history of substance abuse ki history hai. So which of the drug will be arthat administered? Maine kaha na, usne kaha ki substance abuse ki history hai patient ki, substance abuse aur uske symptom kya kya aa rahe hain, substance abuse ke symptom kya kya hain aapke samne, secretions badh rahe hain. Kya badh rahe hain? Secretions badh rahe hain. Secretions badhne ka matlab kon kon se secretions badh rahe hain? Lacrimation, salivation, samajh rahe ho beta, lacrimation ho raha hai, salivation ho raha hai aapke samne. Iske alawa pinpoint pupil. To sir kehne ka matlab ye ek aisi cheez hai jo morphine poisoning ki tarah baat kar raha hai ki usne morphine poisoning ki hai. Kya ki hai? Morphine poisoning. Kya ki hai? Morphine matlab aisi drugs khayi hai, heroin, morphine, inko khaya hai jiski wajah se pinpoint pupil aapke samne ho raha hai. To what is the drug of choice for the aapke samne? Naloxone. Kaun si hoti hai beta? Naloxone is the drug of choice, antidote for the pinpoint pupil ya lacrimation. Sir ye symptom hota hai cholinergic, to drug aapko kaun si deni hai? Aapko anticholinergic deni hai. Kaun si deni hai? Anticholinergic. To answer mein kya jayega? Naloxone. Kaun sa jayega? Naloxone. Kaun si jayega beta? Antidote. Ye aapko naltrexone aur naloxone dono mein thoda sa antar hai. Yadi dono mein priority dena ho to naloxone dena hai aapko. Naltrexone jo hai aapka ye long term use ke liye kaam mein aata hai, prophylaxis mein kaam aata hai. To best drug kaun si hogi? Acute cheez ke liye kaun si doge aap? Naloxone. Kaun si doge? Naloxone. Ye previous year exams questions hai jo pharmacology ke andar aaye hue hai. Question number 7. Patient with DVT. Ek patient DVT ka hai. DVT ka matlab aapke samne deep vein thrombosis ka hai. It's advised to low molecular. Ek patient aapke samne DVT ka hai, usko advice di ja rahi hai LMWH lagane ke liye. To kis route se LMWH administration kiya jayega? Kis route se? Subcutaneous route se, intramuscular route se, oral route se, ya IV route se? Kis route se aap doge? Bahut important word hai aapke samne sir. LMWH, low molecular weight heparin. Dhyan se samajhna. LMWH, low molecular weight heparin. Sir ye jo LMWH hota hai, iska mainly work kya hota hai? Ye inhibit karta hai. Ye bhi alag se question ban sakta hai. Ye inhibit kar sakta, ye inhibit karta hai 10th A factor ko. Kaun se wale? 10th A ko. To coagulation cascade ki baat kare, di kisi coagulation ki baat kare, to coagulation cascade mein 10th A factor jo hota hai, jo ki blood ko clot karwata hai, us 10th A factor ko kya karta hai? Inhibit karta hai. To blood coagulation nahi hota hai. To low molecular weight heparin kaun se factor ko inhibit karta hai? 10th A. Option mein 10th A nahi ho to second, kaun sa wala? Second factor kaun sa? To clotting factor 10A number wale ko inhibit karta hai aur blood ko jamne nahi deta hai. Sir ye LMWH kaun se route se diya jata hai DVT wale patient ko? Subcutaneous route se. Kaun se route se? Subcutaneous route se. Kaun se route se denge beta? Answer aapka kaun sa denge apan? A. Answer A matlab aapke samne low molecular weight heparin kaun se route se denge aapke samne? Subcutaneous route se. To best answer kya aa jayega? Subcutaneous route se diya jata hai. Sir सीवियर केसेज में हम याद रखना, सीवियर केसेज में हम इसको किस में दिया जाता है बेटा? हम आईवी फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन यदि डीवीटी का केस हो तो अपन नॉर्मली किस में देते हैं बेटा? सबक्यूटेनस फॉर्म में. आपने देखा होगा एलएमडब्ल्यूएच आपके सामने, एलएमडब्ल्यूएच की डोजेज आती है 60 इस तरह के आते हैं आपके सामने. तो लगभग एक इंजेक्शन 600 रुपए के करीब का आता है एलएमडब्ल्यूएच का. तो ये बड़ा महंगा भी इंजेक्शन होता है, सबक्यूटेनस रूट से दिया जाता है. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. एड्रेनालिन की डोज बतानी है आपको एनाफिलैक्टिक शॉक के पेशेंट में. एड्रेनालिन की डोज बतानी है आपको एनाफिलैक्टिक शॉक के पेशेंट में. सर 1 × 10,000 दिया जाता है, डोज दी जाती है 0.5 ml या 1 × 10,000, या कितनी डोज दी जाती है? सुनो बेटा, मैं पहली बात बता दूं, एड्रेनालिन के बहुत यूज है. जब मैं बात एड्रेनालिन की कर रहा हूं ना आपके सामने, तो एड्रेनालिन के बहुत सारे यूज है आपके सामने. ध्यान से देखना सर, एड्रेनालिन बात का नाम है आपके सामने. बात किस पर चल रही है आपकी? एड्रेनालिन. एड्रेनालिन, और आप सभी को यह भी पता है कि एड्रेनालिन सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करता है. एड्रेनालिन, एड्रेनालिन की जब बात की जाए तो सर
इसका यूज किसमें होता है पहला एनाफाइलेक्टिक शॉक में किसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक में सुनना बेटा बात ढंग से सुनना एनाफाइलेक्टिक शॉक में सर इसकी कंसंट्रेशन क्या रखी है पहली बात कौन से रूट से दिया जाता है इंट्रामस्कुलर सुन लो यदि कोई पेशेंट एनाफ यस यस कृष्णा मेरा नॉरसेट का क्वेश्चन था आपके सामने नॉरसेट 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो आपके नवंबर 20 2021 को हुआ था उस एड्रेनलिन का एनाफाइलेक्टिक शॉक आप तो छोटी मोटी बातें मैं कह रहा हूं हर तरह के क्वेश्चन सीखो एनाफाइलेक्टिक शॉक में जो एड्रेनलिन होता है वो कौन से रूट से दिया जाता है आईएम रूट से कौन से रूट से दिया जाता है आईएम रूट से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से रूट से दिया जाएगा आपके सामने आईएम रूट से सर आईएम रूट यदि प्रिपेयर नहीं हो तो दूसरा रूट कौन सा ले सकते हो सबक्यूटेनस रूट लेकिन प्राइमरी कौन सा देना है आईएम रूट से सर दूसरी चीज सर डोज बताइए डोज दी जाती है 0.5 ml कितनी दी जाती है 0.5 ml तीसरी सर कंसंट्रेशन बताओ कितनी कंसंट्रेशन का दिया जाता है कंसंट्रेशन बताइए सर कंसंट्रेशन आपके सामने बता दूं 1:1000 सर ये कंसंट्रेशन होती है सर इसका मतलब क्या हुआ एक ग्राम इन 1000 ml यदि 1000 ml सॉल्यूशन है कोई NS या 1000 सॉल्यूशन है तो 1000 ml में यदि एक ग्राम आपके सामने एड्रेनलिन डाला जाएगा तो उसकी कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा 1:1000 सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा 1:1000 सॉल्यूशन सर डोज कितनी देते 0.5 ml दूसरी बात ये तो बात करी मैंने एनाफाइलेक्टिक शॉक की किसकी बात करी एनाफाइलेक्टिक शॉक की सर दूसरी बात पहली बात कर रहा हूं एनाफाइलेक्टिक शॉक की दूसरी बात कर रहा हूं कार्डियक अरेस्ट यदि क्वेश्चन में एनाफाइलेक्टिक शॉक की जगह ऐसे पूछ ले कि कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनलिन की डोज बताइए एड्रेनलिन पहली बात तो कौन से रूट से दिया जाता है आईवी रूट से यदि कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है तो एड्रेनलिन कौन से रूट से दोगे आप आईवी रूट से सर इसकी कंसंट्रेशन कितनी रखनी है कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर कंसंट्रेशन कितनी रखनी है 1:10,000 कितनी रखनी है 1:10,000 मतलब 10,000 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम होना चाहिए क्योंकि आईवी रूट में बहुत जल्दी काम करता है यार बहुत जल्दी तो कंसंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए तो 1:10,000 ये किस में दोगे आप कार्डियक अरेस्ट में दोगे किस में दोगे कार्डियक अरेस्ट में तो दोनों क्वेश्चन आप अलग से रखना आपके सामने तो आंसर क्या जाएगा इस वाले में क्वेश्चन में आपसे एड्रेनलिन एनाफाइलेक्टिक शॉक पूछा है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर पूछा है तो आपका आंसर क्या जाएगा 1:1000 × 0.5 ml डोज कितनी 0.5 ml यस क्लियर चलिए कौन से रूट से दोगे आईएम रूट से कौन से रूट से दोगे आईएम रूट से दोगे कौन से रूट से आईएम रूट से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे अब जो बात करने जा रहा हूं आपके सामने कार्डियक अरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया आपको मैंने एनाफाइलेक्टिक शॉक में डोज मैंने आपको दोनों समझा दी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए ट्रांजिस्ट इस्केमिक अटैक यदि किसी को TIA हुआ है इस्केमिक अटैक हुआ है 60-70 साल के किसी पेशेंट को तो एक क्लाइंट इज प्रेस्क्राइब एस्प्रिन 100 mg क्लाइंट को एस्प्रिन 100 mg दी गई बाई माउथ डेली ओडी में डेली दी गई तो द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट दिस मेडिकेशन हैज बीन प्रेस्क्राइब टू तो नर्स क्लाइंट को क्या बता रही है कि ये मेडिकेशन एस्प्रिन क्यों दी आपको कंट्रोल हेडेक के लिए दी गई है दूसरा इनहांस इम्यून रेस्पॉन्स आपकी बॉडी का इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए दी जा रही है या प्रिवेंट इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग आपकी ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं हो इसको रोकने के लिए पहले ही इस्केमिक अटैक हो चुका है आपकी और ब्लीडिंग को रोकने के लिए दी जा रही है या डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन या आपकी प्लेटलेट इकट्ठी होकर अर्थात कोई कोगुलेशन या थ्रोम्बस ना बनाए इसके लिए दी है लो डोज पहली बात इस एस्प्रिन के 100 mg का मतलब है लो डोज एस्प्रिन क्या नाम है बेटा लो डोज एस्प्रिन का काम होता है अर्थात प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन किसको रोकती है प्लेटलेट को एक जगह इकट्ठा होने से रोकती है तो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा और कुछ आए या नहीं आए हजार तरह की चीजें पढ़ने से ज्यादा है पहले इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो तो आपके सामने कोई पूछे कि कौन सी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जाएगी TIA वाले पेशेंट को आपके सामने एस्प्रिन क्यों दे रहे हैं क्योंकि ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को क्या करती है रोकती है लो डोज एस्प्रिन हमेशा प्लेटलेट को एक जगह इकट्ठा होने से रोकती है तो थ्रोम्बस बनने से रोकती है क्या रोकती है क्लॉट बनने से रोकती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 द मोस्ट लाइकली सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा इंक्लूड यदि कोई पेशेंट को मेटास्टेटिक कैंसर है
और वो अपना ट्रीटमेंट ले रहा है. मेटास्टेटिक मतलब जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंच जाए, जिसे मैलिग्नेंट ट्यूमर भी आप बोल सकते हो. तो मेटास्टेटिक कार्सिनोमा में यदि वो पेशेंट कोई एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहा है, एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है, तो मोस्ट कॉमनली एंटी कैंसर ड्रग का सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? एसाइटिस, निस्टैग्मस. व्हाट इज द मीन ऑफ द निस्टैग्मस? टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो मतलब पास आना और दूर जाना, आंख का, आई बॉल का जल्दी जल्दी इधर उधर होना आंख के अंदर, ये कहलाता है निस्टैग्मस. तीसरा ल्यूकोपेनिया. ल्यूकोपेनिया का मतलब WBC का काउंट कम होना. और चौथा पॉलीसाइथेमिया. आप सभी को पता है जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, एंटी कैंसर ड्रग होती है आपके सामने, एंटी कैंसर ड्रग, इनका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? ल्यूकोपेनिया. क्या होता है बेटा? ल्यूकोपेनिया. WBC का काउंट क्या करती है? कम करती है. तो बेस्ट ऑप्शन क्या जाएगा आपके सामने, याद रखना, सी क्या जाएगा? ल्यूकोपेनिया. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एम्स पटना में, GMCH में और बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, आपके नर्सिंग में बार बार रिपीट होते रहते हैं. इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर ने क्यों आंसर दिया. इसलिए मैंने कहा ना आपको, जैसे मैंने प्लेटलेट एग्रीगेशन का आंसर दिया था, जैसे मैंने आपको, आपको पता होना चाहिए वास्तव में जो एस्प्रिन है, यदि मैं आपसे बात करूं, वास्तव में जो एस्प्रिन है, यदि आपने, आप देखते हो वास्तव में जो एस्प्रिन है आपके सामने, एस्प्रिन आप सभी को पता है कि जो बॉडी के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम होता है आर्किडोनिक एसिड. क्या नाम है? आर्किडोनिक एसिड आपके सामने, आर्किडोनिक एसिड, इससे बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन. क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन. क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन. ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपके सामने है, ये तीन फॉर्म में अलग अलग बदलता है, लेकिन उसमें मोस्ट होता है TXA2 फॉर्म. कौन सा बेटा? थ्रोम्बोक्सिन A2. इस रिसेप्टर पर जो काम करती है उसका नाम होता है एस्प्रिन. क्या नाम है आपके सामने? एस्प्रिन. क्वेश्चन आता है कई बार, क्वेश्चन आपके सामने आता है, एस्प्रिन वास्तव में किस रिसेप्टर पर काम करती है? थ्रोम्बोक्सिन A2 पर काम करती है. और किसको रोकती है, अर्थात प्रिवेंट करती है बेटा, प्रिवेंट करती है किसको? प्लेटलेट एग्रीगेशन को. किसको रोकती है? प्लेटलेट को. एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होने से क्या करती है? रोकती है. क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि आपसे पूछ ले थ्रोम्बोक्सिन A2 किसका पार्ट है? प्रोस्टाग्लैंडिन का. प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनता है? आर्किडोनिक एसिड से. आर्किडोनिक एसिड किससे बनता है? फॉस्फोलिपिड से. तो हमारी बॉडी के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है उससे बनता है आर्किडोनिक एसिड. ये आपका एक तरह से ब्लड को क्लोट करने वाला सिस्टम का पार्ट है जो आपके सामने बनाया जाता है कि भाई वास्तव में आर्किडोनिक एसिड से क्या क्या बनते हैं. यस, तो आपके सामने क्वेश्चंस. थैंक यू कृष्णा. देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट है स्टडी करना. आप सभी को बता दूं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर भी हूं. यदि कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर आप आते हो तो वहां आप पूछ सकते हैं. तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मैं जब तक आप लोगों के लिए आपको शिक्षा दे रहा हूं, आपको जिस चीज़ से मेरा इंटरेस्ट है, जितना मुझे टाइम मिल रहा है, तो उस चीज़ का लाभ उठाइए. ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जितने टाइम मैं आपको दे रहा हूं, लॉन्ग टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, पहले भी बता रहा हूं. लेकिन आप प्लेसेंटा नर्सिंग नाम से ऐप के अंदर जा सकते हैं और उस ऐप के अंदर जाकर आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं. जितने टाइम है आप उसका लुफ्त ले सकते हैं. तो आप याद रखना, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर पर काम करती है एस्प्रिन, और यह क्या करती है? प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती है. लो डोज एस्प्रिन, हाई डोज नहीं बोल रहा हूं, लो डोज एस्प्रिन. हाई डोज बाद में बताऊंगा क्या करती है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस हु इज ऑन आइसोनियाजिड थेरेपी. आगे बेटा, सिंपल क्वेश्चन. एक पेशेंट आइसोनियाजिड थेरेपी पर चल रहा है, तो शुड आल्सो बी एडमिनिस्ट्रेटेड. तो उसको साथ में आइसोनियाजिड के साथ में क्या देना चाहिए? थियामिन. थियामिन क्या है? विटामिन B1. क्या है? विटामिन B1. दूसरा आपके सामने राइबोफ्लेविन. तीसरा नंबर पे निकोटिनिक एसिड. और डी नंबर पे पायरिडॉक्सिन. क्या देना चाहिए? देखो मैंने आपको एक बात बताया, आप याद रखो बेटा, एक होता है थायमिन, एक होता है थायमिन और एक होता है थियामिन. दोनों में अंतर आपको आना चाहिए. थायमिन एक नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन N2 बेस है, जो DNA के अंदर पाया जाता है. किसमें पाया जाता है? DNA में पाया जाता है थायमिन. आपने नाम सुने होंगे, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, समझ रहे हो मेरी बात. लेकिन जो थियामिन आपके सामने है, ये थियामिन विटामिन B1 का नाम है. तो स्पेलिंग को भी थोड़ा चेक करें कि थियामिन को कैसे लिखते हैं और थायमिन को कैसे. ये एक नाइट्रोजन बेस है जो DNA में पाया जाता है, और ये थियामिन विटामिन B1 है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है. ऐसे लोग जो चावल की पॉलिश करे हुए चावल खाते हैं,
हैं या चावल को ज्यादा देर तक भिगोए हुए रखते हैं उन लोगों में भी विटामिन बी1 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आप क्या दोगे, आपको बताई दिया आइसोनियाजिड के साथ में आपको क्या देना है, विटामिन बी6 देना है, पाइरिडोक्सिन, क्या देना है, पाइरिडोक्सिन आपको देना है, क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी को रोकता है। पाइरिडोक्सिन क्या करता है, पेरिफेरल आपके सामने न्यूरोपैथी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी को क्या करता है बेटा, प्रिवेंट करता है। क्या करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, पहला लोराजीपाम, दूसरा नेप्रोक्सेन, तीसरा कार्बामाजेपाइन, फोर्थ नंबर पे मोरफिन। सुनो बेटा, लोराजीपाम आपके सामने दैट इज द स्टेटस एपिलेप्सी, किसी को एपिलेप्सी हो रही हो, किसी को हॉस्पिटल में एंजाइटी हो रही हो, किसी को अर्थात किसी पेशेंट को एक वर्ड में बोलूं तो ऐसा पेशेंट जिनको अर्थात एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा है तो उसको अपन लोराजीपाम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लोराजीपाम। लोराजीपाम एक डाइजीपाम ग्रुप का ही है आपके सामने, तो आपके सामने लोराजीपाम नॉट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक ड्रग है, वो एक डिजीज है जिसको अपन टिक डोलियोरेक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखना, इस डिजीज का दूसरा नाम है टिक डोलियोरेक्स। क्या बोलते हैं, टिक डोलियोरेक्स, टिक डोलियोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, न्यूरालजिया का मतलब है नर्व इरिटेट हो रही है बिना किसी वजह से, नर्व में पेन हो रहा है, नर्व में क्या हो रहा है, पेन। ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल कौन सी नर्व होती है, फिफ्थ नर्व, कौन सी नर्व होती है बेटा, फिफ्थ नर्व। फिफ्थ नर्व के जो भी पार्ट है, जिन पार्ट को फिफ्थ नर्व सप्लाई कर रही है उन पार्ट में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, इसे बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। सर इसका, इस डिजीज का दूसरा नाम है टिक डोलियोरेक्स। इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्बामाजेपाइन। याद रखना, कौन सी होती है बेटा, कार्बामाजेपाइन। क्या नाम होती है, कार्बामाजेपाइन। 200 mg TDS में, शुरू में 200 mg TDS में हम लगभग 7 दिन के लिए चलाते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की क्या होती है, कार्बामाजेपाइन। क्या होती है बेटा, कार्बामाजेपाइन। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी। आंसर क्या जाएगा आपका, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, हर एग्जाम में देता है वो, कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। पहला अल्फा मिथाइल डोपा, दूसरा मेटोप्रोलोल, तीसरा नंबर पे आपके सामने हाइड्राल्जिन, और चौथे नंबर पे आपके सामने एनालप्रिन। पहले देखो, अल्फा मिथाइल डोपा इज ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। यदि ऑप्शन में लेबेटोलोल हो तो आपके सामने लेबेटोलोल, लेबेटोलोल नहीं हो, क्योंकि देखो दो बुक्स है जो हम MBBS की बड़ी बुक्स मानते हैं, उन हैरिसन नाम की बुक में आपको दिया हुआ है लेबेटोलोल। लेबेटोलोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन यदि किसी प्रेगनेंसी में, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, आपके सामने लेबेटोलोल। लेबेटोलोल ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो, अल्फा मिथाइल डोपा लगा सकते हो, ये दे सकते हो। दूसरी होती है मेटोप्रोलोल, जो बीटा ब्लॉकर है, ये भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर मना नहीं होते। तीसरा हाइड्राल्जिन भी दे सकते हैं, लेकिन एसी इनहिबिटर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। एसी इनहिबिटर में एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमीप्रिल, ये जो ड्रग है ना प्रिल वाली, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। कौन कौन सी ड्रग, एनालप्रिल, रेमीप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये एक ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या होती है, आपके सामने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कौन से होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आपके सामने होती है, किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। एसी इनहिबिटर अलग से दे सकता है वो, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, ऐसे। तो आंसर में याद रखना एसी इनहिबिटर आर द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो आंसर क्या जाएगा, एनालप्रिल, रेमीप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये आप कभी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपको नहीं देनी है प्रेगनेंसी के अंतर्गत। यस, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है द अल्कोहल सेंसिटाइज ड्रग। ऐसी कौन सी ड्रग है जो अल्कोहल सेंसिटाइज ड्रग है, दैट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अल्कोहलिज्म। यदि कोई पेशेंट, सुनना बेटा, यदि कोई पेशेंट बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहा है और अल्कोहल छोड़ना चाह रहा है, अल्कोहल क्या करना चाह रहा है,
छोड़ना चाह रहा है, तो ऐसा पर्सन जो अल्कोहल छोड़ना चाह रहा है उसके लिए एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है डाइसल्फेरम ड्रग। कौन सी ड्रग होती है? डाइसल्फेरम ड्रग। लेकिन याद रखो, डाइसल्फेरम के ऊपर यदि गलती से भी अल्कोहल पी ली उस पेशेंट ने, उस पेशेंट को डाइसल्फेरम ड्रग देते हैं जिस पेशेंट को 100% भरोसा होता है खुद के ऊपर, ऐसे नॉर्मल को नहीं देते हैं। इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूं यहां पे, कभी ऐसा नहीं कहीं पे पढ़ के डाइसल्फेरम थेरेपी चलती है और चल दिए और अल्कोहल वाले पेशेंट को ले मैं आज तेरा अल्कोहल रोक देता हूं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं क्लियरली बताता हूं एज ए डॉक्टर कि डाइसल्फेरम उसी पेशेंट को देनी होती है जिसको 100% भरोसा होता है खुद के ऊपर कि मैं ड्रग्स नहीं लूंगा, मैं ड्रग्स नहीं लूंगा। उन पेशेंट्स को अपन डाइसल्फेरम ड्रग देते हैं। तो डाइसल्फेरम लाइक ड्रग्स उन्हीं पेशेंट्स को देते हैं जो 72 घंटे या अगले 96 घंटे में अल्कोहल की एक बूंद का सेवन भी नहीं करने होते। तो ट्रीटमेंट ऑफ द अल्कोहलिज्म में अपन क्या देते हैं? डाइसल्फेरम। अब आता है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन जॉइंडिस, नियोनेटल जॉइंडिस, नियोनेटल जॉइंडिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो एंटी कन्वर्जेंट के रूप में भी काम में आती है। नियोनेटल जॉइंडिस की ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस इन नियोनेटल जॉइंडिस, नियोनेटल जॉइंडिस याद रखना बेटा, नियोनेटल जॉइंडिस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी ड्रग है जो बच्चों में जॉइंडिस होने पर दी जाती है ड्रग ऑफ चॉइस में? फिनोबार्बिटोन। कार्बामाजेपाइन ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, अर्थात ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। हेलोपेरिडोल उन लोगों को लगाते हैं जो बहुत ज्यादा एंजाइटी लेवल हाई रहता है, उन पेशेंट को जो उठ उठ के भागते हैं हॉस्पिटल्स में, उन लोगों को अपन क्या करते हैं एंजाइटी लेवल वालों को हेलोपेरिडोल अपन देते हैं जो सीएनएस को डिप्रेस करके थोड़ी नींद ले आता है, सीएनएस डिप्रेस कर देता है। यस, समझ में आया? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट ऑफ द रिफैम्पिसिन एक्सेप्ट। मैं आपको पहले बता देता हूं जो रिफैम्पिसिन ड्रग होती है आपके सामने, रिफैम्पिसिन आपने नाम सुना होगा, एक ऐसी ड्रग्स जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपके सामने कौन सी होती है? एक ड्रग का नाम है आपके सामने रिफैम्पिसिन। ये खाली पेट दी जाती है पेशेंट को, कैसे दी जाती है? खाली पेट दी जाती है सर, भूखे पेट दी जाती है। इसके अलावा ये रिफैम्पिसिन जो ड्रग है, ये जो भी ब्लड के सिक्रेशंस होते हैं, सुना बेटा, सिक्रेशन को क्या कर देती है? कलर देती है। सिक्रेशंस को क्या कर देती है? कलर स्टेन कर देती है। वो जरूर नहीं है कि सिक्रेशन यूरिन का ही हो। आप हमेशा याद रख के रटते रहते हो आप कि ऑरेंज कलर यूरिन रिफैम्पिसिन। अरे मैं कह रहा हूँ बॉडी के सारे सिक्रेशंस को कलर कर देती है। क्वेश्चन ऐसे आ गया ना जिस दिन कि कोई पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है, जो आँख में रख के जो लेंस लगाए जाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है, उसके कॉन्टैक्ट लेंस का कलर अब अभी येलो हो गया या ऑरेंज कलर हो गया। अब आप बताइए कि कौन सी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ, किस ड्रग के साइड इफेक्ट से हुआ, तो भी आंसर जाएगा रिफैम्पिसिन। तो बॉडी के सिक्रेशंस को कलर स्टेन देने का काम किसका होता है? रिफैम्पिसिन का। और साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके? डिजीनेस, हेडेक, ये सारे, हाइपोक्सिया, ये सारे इसके डिजीनेस होता है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना। लेकिन बीपी बढ़ना, हाइपरटेंशन इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। रिफैम्पिसिन की वजह से हाइपरटेंशन इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बेस्ट आंसर ये पूछा है एक्सेप्ट कि कौन सारे रिफैम्पिसिन के साइड इफेक्ट है, एक को छोड़कर। एक कौन है बेटा जिसको छोड़ा है अपन ने? हाइपरटेंशन इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। सर रिफैम्पिसिन एक ऐसी ड्रग है जो खाली पेट ली जाती है। आपको मैंने ये भी बता दिया हिपेरिन एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है आपके सामने जो 10th A नाम के क्लोटिंग फैक्टर को क्या करता है? इनहिबिट करता है और ब्लड को जमने से रोकता है। अलग से पूछ सकते हैं वो लोग कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो आप आंसर में दे सकते हो। रिफैम्पिसिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो आपके सामने फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग इन द टीबी ट्यूबरकुलर के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग होती है जिसको खाली पेट देना चाहिए। इसके अलावा आपके सामने सर ये एक ऐसी ड्रग है जिसका लीवर से मेटाबोलाइज होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी खराब है उनके लिए सेफ होती है ये, सेफ इन रीनल फेलियर। ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी खराब है, रीनल फेलियर वाले पेशेंट जो होते हैं जिनकी किडनी खराब है, उन पेशेंट में सेफ होती है। क्योंकि इसका साइड इफेक्ट एक और होता है जिसका नाम है हिपेटोटॉक्सिक होती है। कैसी होती है? हिपेटो, क्योंकि लीवर के द्वारा इसका मेटाबोलाइजेशन होता है, किडनी के द्वारा नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी है जो कुछ लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होती है और कुछ किडनी के द्वारा मेटाबोलाइज, तो ये लीवर के द्वारा होती है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आ जाए कि रिफैम्पिसिन क्या किडनी फेलियर में या रीनल फेलियर में सेफ होती है? बिल्कुल, रीनल फेलियर में क्या होती है? सेफ होती है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस अकर इन द डिजोक्सिन, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। यदि किसी पेशेंट को डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, तो डिजोक्सिन आपको पता है
कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन में अपन डिजोक्सिन देते हैं तो डिजोक्सिन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है आप सभी को पता है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में एक ही इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है जिसका नाम है हाइपोकैलेमिया क्या होता है हाइपोकैलेमिया कौन सा होता है बेटा हाइपोकैलेमिया तो आंसर क्या जाएगा आपके सामने हाइपोकैलेमिया हाइपोकैलेमिया इज द डिजोक्सिन क्या काम करता है आपको पता है पोटेशियम को आउट कर देता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है हाइपोकैलेमिया क्या हो जाता है हाइपोकैलेमिया याद रखना है आपको अलग से डिजोक्सिन इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी की वजह से कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है आपका हाइपोकैलेमिया क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है व्हाट वुड यू मॉनिटर इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ द एसिटामिनोफेन ओवर ए प्रोलॉन्ग टाइम एक पेशेंट लॉन्ग टाइम से एसिटामिनोफेन ले रहा है एसिटामिनोफेन का मतलब है पैरासिटामोल फीवर की वजह से एक महीने से पैरासिटामोल खा रहा है तो उसको क्या हो जाएगा एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग एसिटामिनोफेन मोस्टली किस ऑर्गन पर काम करती है लीवर पर काम करती है और हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है कैसी ड्रग होती है हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है कैसी ड्रग होती है बेटा हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है कैसी होती है एसिटामिनोफेन किस पर होती है बेटा आपके लीवर पर काम करती है और कैसी होती है हिपेटोटॉक्सिक होती है तो आप क्या मॉनिटर करोगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम दूसरा जीआई इरिटेशन तीसरा लीवर फंक्शन टेस्ट कराओगे एलएफटी या आप किडनी फंक्शन टेस्ट मैंने कहा ना लीवर पे काम करती है तो हम एलएफटी टेस्ट कराएंगे एसजीओटी एसजीपीटी को अर्थात मॉनिटर करेंगे तो आंसर क्या जाएगा आपका लीवर फंक्शन टेस्ट क्या जाएगा लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है सर इसका यदि किसी को एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो जाए यदि किसी पेशेंट को एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो जाए तो उस पेशेंट को ध्यान से सुनना एसिटामिनोफेन एसिटामिनोफेन का मतलब है पैरासिटामोल क्या नाम है पैरासिटामोल पीसीएम पैरासिटामोल यदि किसी को एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो जाए तो उसका एंटीडोट क्या होता है एंटीडोट तो आंसर में बोलना एन एसिटाइल सिस्टीन क्या होता है बेटा एन एसिटाइल सिस्टीन जो कोरोना में सबसे ज्यादा चली हुई थी ये दवाई आपने एन एसिटाइल सिस्टीन कोरोना में खूब चली थी खूब लोगों ने इससे नेबुलाइज भी कराया था आज भी यदि बॉडी के सिक्रेशंस यदि किसी को आपने ट्रेकिस्टोमी कर रखी है या आपने ईटी ट्यूब डाल रखी है उसके सिक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं तो अपन किससे अर्थात नेबुलाइज कराते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन से ही नेबुलाइज कराते हैं क्यों क्योंकि ये सिक्रेशंस को कम करती है क्या करती है लीवर फंक्शन टेस्ट को सुधारती है और मतलब लीवर के फंक्शंस को सुधारती है और सिक्रेशंस को क्या करती है कम करती है 600 mg/dL में अपन दे सकते हैं किसी पेशेंट को यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आर यूज इन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग एग्जांपल क्या जाएगा मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग कौन होते हैं जैसे PGE2 सर PGE1 PGE2 ये प्रोस्टाग्लैंडिन के बने हुए एनालॉग है एनालॉग मतलब E1 और E2 एनालॉग PGE1 कौन सा होता है मिसोप्रोस्टोल कौन सा होता है मिसोप्रोस्टोल PGE2 कौन सा होता है कार्बोप्रोस्ट कौन सा होता है कार्बोप्रोस्ट आपके सामने क्वेश्चन है यार क्या सॉरी आपके सामने एक क्वेश्चन है PGE2 कौन हो जाएगा आपका डायनोप्रोस्ट क्या हो जाएगा डायनोप्रोस्ट तो ये जो प्रोस्ट है आपके ये वास्तव में किस में काम आते हैं पहला इंडक्शन ऑफ लेबर कराने में बिल्कुल मिसोप्रोस्टोल तो इंडक्शन ऑफ लेबर में एक नंबर पे आती है दूसरा इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन यस अबॉर्शन कराना है तो भी मिसोप्रोस्टोल मैनेजमेंट ऑफ द PPH यस मैनेजमेंट 800 mg आपके सामने आपके अबॉर्शन कराना है लेबर कराना 800 mg पर रेक्टल PPH को रोकने के लिए तो आप कर सकते हो आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव आंसर क्या जाएगा ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया बेटा ऑल ऑफ द अबव प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मिसोप्रोस्टोल सब में काम मिली जाती है ऑल ऑफ द अबव देखो ये क्वेश्चन को आप है ना फार्माकोलॉजी में ले लो चाहे मेरी किस में ले लो ओबीजी के अंदर ले लो मैं वहां भी बता देता हूँ कि भाई इसके काम क्या है ये जैसे हर क्वेश्चन किसी ना किसी चीज से संबंधित होता है ये क्वेश्चन एसिटामिनोफेन में ले लो आपके सामने ये फार्माकोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट हो जाता है डिजिटोलिस डिजोक्सिन या MSN में आपको आना चाहिए कि कौन सी मेटाबोलिक एक्टिविटी करता है तो हर क्वेश्चन किसी ना किसी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है आप अलग से फार्माकोलॉजी पढ़ते हो इसमें एक मजे की बात यह रहती है कि आपके दिमाग में 10 डिजीज 10 सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर रहे हो आप वास्तव में फार्मा कवर नहीं कर रहे हो आप ड्रग्स कवर नहीं कर रहे हो आप वास्तव में सारे सब्जेक्ट के अंदर फैले हुए हो आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऐसी कौन सी ड्रग है जो यूज आती है
to treat post-operative severing. Post-operative severing को यदि किसी patient को operation होके आया है और उसको severing हो रही है, कपकपी लग रही है, तो उसमें हम morphine drugs देते हैं, morphine analog देते हैं, जो drug of choice होते हैं, like pethidine. कौन सा देते हैं बेटा? Like pethidine. यदि pethidine available नहीं है, तो diclo लगा सकते हो. आप क्या लगा सकते हो? Diclo लगा सकते हो. Diclo is also severing को कम करने में काम आता है. लेकिन best drug कौन सी होती है? Post-operative. ये word लग गया ना? Post-operative. इसकी drug of choice होती है आपके सामने. आंसर में क्या जाएगा? पेथिडीन. पेथिडीन क्या होता है? मॉर्फिन का एक एक्टिव पार्ट होता है, जो मॉर्फिन से ज्यादा अच्छा पोटेंट होता है, जो पेन किलर के रूप में काम करता है और बॉडी में हीट जनरेट करता है. तो सीवरिंग को क्या कर देता है? कम कर देता है. क्या कर देता है? कम कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. एक फर्स्ट लाइन मेडिकेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं. ए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. यदि किसी को लंग्स की टीबी है, पल्मोनरी का मतलब है, यदि किसी को लंग्स की टीबी है, लंग्स की क्या है बेटा? टीबी है. तो लंग्स की टीबी है तो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है? आपने देखा है टीबी की जो ड्रग होती है, टीबी की जो ड्रग होती है उनको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. कौन सी बोलते हैं बेटा? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. ऐसी दवाई जो टीबी के विरुद्ध काम में आती है वो कौन सी होती है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपके सामने दो कैटेगरी में होती है. एक होती है फर्स्ट लाइन ड्रग जिनका आज तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो पहले दी जाती है, हॉस्पिटल में किट भी अवेलेबल है. और फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी आती है? HRZES. H का मतलब यहां पर आइसोनियाजिड. H का मतलब क्या होता है? आइसोनियाजिड. R का मतलब क्या होता है? रिफाम्पिसिन. क्या नाम है बेटा? रिफाम्पिसिन. आपके सामने Z का मतलब क्या होता है? पायराजिनामाइड. क्या नाम होता है? पायराजिनामाइड. और आपके सामने E का मतलब क्या होता है? इथाम्ब्यूटोल. क्या नाम है बेटा? इथाम्ब्यूटोल. कौन सी ड्रग? इथाम्ब्यूटोल. और S का मतलब यहां पर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो ओरल रूट से नहीं दी जाती, बाकी चारों ओरल होती है. स्ट्रेप्टोमाइसिन IM रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर. इसके अलावा आपको ध्यान रखने की चीजें, सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि इथाम्ब्यूटोल जो ड्रग होती है वो बैक्टीरियो स्टेटिक होती है, बाकी सारी कैसी होती है? बैक्टीरियोसाइडल. बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर देती है. क्वेश्चन कभी आ जाए कि ऐसी कौन सी ड्रग है फर्स्ट लाइन ड्रग में जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, तो आंसर में देना इथाम्ब्यूटोल. कौन सा दोगे? इथाम्ब्यूटोल. एक कैसी होती है बेटा? बैक्टीरियो कैसी होती है? स्टेटिक होती है. और बाकी सारी कैसी होती है? बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली होती है. दूसरी होती है सेकंड लाइन ड्रग एंटी ट्यूबरकुलर में. अभी तो बिल्कुल सिंपल पूछा है उसने कि कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग है. उसने ये पूछ लिया कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग है. ये लो, ये इसमें रिफाम्पिसिन. ये आ गया आंसर. आंसर हो गया आपका रिफाम्पिसिन. आंसर क्या हो गया आपका? रिफाम्पिसिन. सर क्यों? क्योंकि आपने कहा है सर HRZES आपके सामने किसमें आती है? फर्स्ट लाइन ड्रग में. तो R का मतलब क्या है? रिफाम्पिसिन. तो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी ये होती है फर्स्ट लाइन ड्रग है. अब आती है सेकंड लाइन ड्रग. सेकंड लाइन ड्रग में कौन आता है? ध्यान से समझना, सेकंड लाइन ड्रग में कौन आता है? पहले नंबर पे आता है फ्लोरोक्विनोनोल. क्या आता है? फ्लोरोक्विनोनोल का मतलब होता है लीवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, गेटीफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन. ये भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं आपसे कि लीवोफ्लोक्सासिन किस कैटेगरी की ड्रग में आती है, तो आंसर में बोलना फ्लोरोक्विनोनोल. ये किसमें काउंट की गई है बेटा? सेकंड लाइन ड्रग में. किसमें? सेकंड लाइन ड्रग में. दूसरी होती है इंजेक्टेबल ड्रग. इंजेक्टेबल कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो सेकंड लाइन ड्रग के अंदर आती है? इंजेक्टेबल ड्रग इसमें आती है कैप्रोमाइसिन. कौन सी आती है? याद रखना बेटा, कौन सी आती है? कैप्रोमाइसिन. अलग से क्वेश्चन आया हुआ है कि इंजेक्टेबल ड्रग कौन कौन सी होती है. सर एक तो हो गई सबसे पहले आपके सामने जो ओरली आप दे सकते हो, फ्लोरोक्विनोनोल. फ्लोरोक्विनोनोल में कौन कौन आता है? लीवोफ्लोक्सासिन हो गया, मॉक्सीफ्लोक्सासिन हो गया, आपके सामने लीवोफ्लोक्सासिन हो गया. ये सारे किस्म हो गए आपके? किस्म हो गए बेटा फ्लोरोक्विनोनोल में. दूसरी लाइन ड्रग कौन सी आती है आपके सामने सेकंड लाइन में? इंजेक्टेबल ड्रग. मैं अलग से क्वेश्चन बना के पूछ सकता हूं, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट इज इन द सेकंड लाइन ड्रग बट ऑल्सो इन इंजेक्टेबल होनी चाहिए, तो आंसर में क्या बोलोगे आप? कैप्रोमाइसिन. क्या बोलोगे बेटा आपके सामने? कैप्रोमाइसिन. कौन सी ड्रग होगी आपके सामने? याद रखना है आपको, कौन सी ड्रग होगी आपके सामने? कैप्रोमाइसिन. कौन सी? कैप्रोमाइसिन. सर इंजेक्टेबल में सर कौन कौन सी है? इंजेक्टेबल
इंजेक्टेबल भी है और साथ में सेकेंडरी सेकेंड लाइन ड्रग है कौन सी है सेकेंड लाइन ड्रग सर कौन कौन सी हो गई कैप्रोमाइसिन कैप्रोमाइसिन अमीकासिन अमीकासिन जो इंजेक्टेबल में होती है अमीकासिन आपके सामने याद रखना बेटा ये ऐसी ड्रग है जो किसमें आती है आपके सेकेंड लाइन ड्रग के अंदर आती है और कौन कौन सी ड्रग आती है और कौन सी है सेकेंड लाइन ड्रग में इथियोनामाइड इथियोनामाइड कौन सी बेटा इथियोनामाइड ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इथियोनामाइड किसमें आती है इथियोनामाइड ये भी किसमें आती है सेकेंड लाइन ड्रग है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो अपन यूज में लेते हैं लाइनेजोलिड इथियोनामाइड ये सारी किसमें आती है आपके लाइनेजोलिड नाम सुना होगा आपने एक ड्रग होती है लाइनेजोलिड एक ऐसी ड्रग होती है जो मेथिसिलिन या वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोरस के विरुद्ध दी जाती है वीआरएसए में लाइनेजोलिड कौन सी बेटा लाइनेजोलिड तो आप तो नाम याद रख लोगे ना वही बहुत बड़ी बात है कि इथियोनामाइड लाइनेजोलिड कैप्रोमाइसिन ये सारी किस्में आती है सेकंड लाइन ड्रग में आती है किस्में आती है सेकंड लाइन ड्रग में आती है कौन कौन सी ड्रग कैप्रोमाइसिन अमीकासिन और कैनामाइसिन क्या नाम है कैनामाइसिन सेकंड लाइन ड्रग में ये तीन ड्रग केवल ये तीन केवल इंजेक्टेबल है जो इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है कैप्रोमाइसिन अमीकासिन और कैनामाइसिन और किसमें आती है सेकंड लाइन ड्रग में आती है बाकी सारी कैसे देते हैं अपन ओरली देते हैं कैसे देते हैं ओरली याद रखना बेटा ये इसने तो बिल्कुल सीधा पूछा था कि कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग है तो कैप्रोमाइसिन किसमें आती है सेकंड लाइन लेकिन इंजेक्टेबल पायरिडॉक्सिन किसमें आती है सेकंड लाइन ड्रग में लेकिन टैबलेट वाली इथियोनामाइड किसमें आती है सेकंड लाइन ड्रग में बाकी सब किसमें सेकंड लाइन एचआरजेडीएस को छोड़कर समझ गए बेटा जो मैंने लिखवाई है सेकंड लाइन यही सेकंड लाइन ड्रग है केवल यही जो मैंने नाम बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन पिन पॉइंट प्यूपिल कौन से डिजीज का करैक्टर है आप सभी को पता है पिन पॉइंट प्यूपिल कौन से डिजीज का करैक्टर है आप सभी को पता है पिन पॉइंट प्यूपिल किसमें पाया जाता है ओपियोइड पॉइजनिंग किसमें ओपीएस पॉइजनिंग में क्या पाया जाता है पिन पॉइंट प्यूपिल पाया जाता है आपके सामने जो भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होता है उसका मोस्ट करैक्टर होता है पिन पॉइंट प्यूपिल क्या होता है एट्रोपिन क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है ओपीएस पॉइजनिंग में जो पिन पॉइंट प्यूपिल को सही करने के लिए दिया जाता है जब तक माइड्रियासिस नहीं हो जाता तब तक आप हर 5-5 मिनट में क्या देते हैं बेटा आपके 0.5 ml एट्रोपिन देते हैं माइड्रियासिस मतलब पिन पॉइंट प्यूपिल वापस कैसे नहीं हो जाए आपके माइड्रियासिस में नहीं चली जाए तो पिन पॉइंट प्यूपिल किसमें होती है ओपियोइड पॉइजनिंग में सिसप्लैटिन नाम सुना होगा आपने सिसप्लैटिन क्या है एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है या कोई एंटी कन्वलजेंट है या कोई ब्रोंकोडायलेटर है भाई ब्रोंकोडायलेटर में तो आते हैं सालब्यूटामोल समझ रहे हो मेरी बात टर्ब्यूटेलिन सल्फेट फोलमेट्रोल ये आते हैं एंटी कन्वलजेंट में कौन आते हैं वेलप्रोएट आपके सामने सोडियम वेलप्रोएट लेविट्रासिटाम फेनेटोइन ये सारे एंटी कन्वलजेंट में आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड में कौन आते हैं बीटा मेथासोन बैक्लोमेथासोन ये सारे आपके स्टेरॉइड में आते हैं लेकिन एंटी नियोप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग होती है सिसप्लैटिन क्या होती है सिसप्लैटिन क्या होती है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग मतलब एंटी कैंसर ड्रग होती है सिसप्लैटिन याद रखना बेटा सिसप्लैटिन आपके सामने जो सिसप्लैटिन होता है वो क्या होती है एंटी कैंसर ड्रग होती है सिसप्लैटिन एंटी कैंसर ड्रग होती है कैसी होती है एंटी कैंसर कैंसर के इलाज में काम में आई जाती है अब तो मैं आपको ज्यादा तो क्या बताऊं क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो आप ढुलक जाओगे समझ रहे हो मेरी बात इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है अर्थात इस तरह से ध्यान से समझना सिसप्लैटिन क्या नाम है सिसप्लैटिन कौन सी ड्रग है बेटा सिसप्लैटिन सर दो तरफ अमोनिया एक ही तरफ होता है इसलिए इसको बोला जाता है सिसप्लैटिन क्या बोलते हैं सिसप्लैटिन एक ड्रग है जिसमें सिस वर्ड का मतलब होता है दोनों तरफ सेम सब्सटेंस दोनों तरफ होना क्वेश्चन मैं तो यहां तक पूछ लेता हूं सिसप्लैटिन का सेंट्रल मेटल का नाम क्या है प्लैटिनम क्या नाम है प्लैटिनम सिसप्लैटिन जो मेटल की बनी हुई जो दवाई है इसका सेंट्रल मेटल का नाम क्या है प्लैटिनम तो आंसर क्या हो जाएगा एंटी नियोप्लास्टिक कौन सा एंटी नियोप्लास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन विच ड्रग कौन सी ड्रग पीडीए के लिए यूज में आती है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस यदि किसी बच्चे को जन्म जाती होता है आपको तो पता है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस यदि किसी बच्चे को डक्टस आर्ट्रियोसस खुला रह जाता है सर डक्टस आर्ट्रियोसस का मतलब दो आर्टरी के बीच का संबंध दो आर्टरी कौन कौन सी एक तो बड़ी आर्टरी और एक छोटी आर्टरी बड़ी आर्टरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी और बड़ी वो छोटी आर्टरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी और बड़ी आर्टरी मतलब आरोटा यदि आरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का गैप खुला रह जाए यदि दोनों के बीच का कनेक्शन खुला रह जाए हार्ट के चार चैम्बर होते हैं यहां से निकलती है आरोटा
और यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। यदि इन दोनों के बीच का गैप खुला हुआ रह जाए जन्म के बाद में तो उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। और इसको बंद करने के लिए जो दवाई काम में आती है उसका नाम क्या है? इंडोमेथासिन। क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल क्या है या एक वर्ड में बोल दूं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है जिसको बंद करने काम आती है। आंसर में क्या जाएगा? इंडोमेथासिन। कौन सी आती है बेटा? इंडोमेथासिन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी इज इंडिकेटेड बाई। डिजिटलिस की बॉडी में यदि किसी ने आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, डिजिटलिस दे रखी है, डिजिटलिस मतलब डाइजोक्सिन दे रखी है, तो इसकी टॉक्सिसिटी का पता कैसे चलता है? इसका मेन कैसे पता चलेगा? इंक्रीज जब भूख ज्यादा लगने लगेगी तब, दूसरा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तब, स्किन के रसेज बढ़ेंगे ओवर द चेस्ट एंड बैक पे, पीठ पर रस हो जाएंगे, या विजुअल डिस्टरबेंस हो जाएगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द डिजिटलिस टॉक्सिसिटी इज द विजुअल डिस्टरबेंस। क्या जाएगा? विजुअल डिस्टरबेंस, जैसे येलो स्पॉट दिखाई देना, आंख से पीला पीला दिखाई देना, या ऐसा दिख रहा है कि बीच में आप किसी को देख रहे हो और आपको बीच में येलो स्पॉट दिख रहा है उस पर्सन के, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि डिजिटलिस की क्या हो चुकी है? टॉक्सिसिटी हो चुकी है। डिजिटलिस की क्या हो चुकी है आपके सामने? टॉक्सिसिटी हो चुकी है। सेम टू सेम इथाम्ब्यूटोल, जैसा मैंने आपको बताया था, इथाम ब्यूटोल, ये जो इथाम ब्यूटोल होती है, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में, इसकी साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो ये आंख पर इफेक्ट डालती है। ऐसे क्वेश्चन तक पूछ लिया कि इथाम्ब्यूटोल किस पर इफेक्ट डालती है? आंख पर, कान पर, नाक पर, तो आंसर में क्या जाएगा? आंख पर, आई पर। क्या करती है? रेड ग्रीन कलर की क्या करती है? ब्लाइंडनेस पैदा करती है। रेड ग्रीन कलर की क्या पैदा करती है? ब्लाइंडनेस पैदा करती है। इसे बोलते हैं इथाम्ब्यूटोल। क्या नाम है? साइड इफेक्ट क्या करता है बेटा? रेड ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस पैदा करती है। यस, तो और साथ में जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो पांचवी ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये कैसी होती है? इसका साइड इफेक्ट होता है, ये कान पर इफेक्ट डालती है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है। कौन सी होती है? ऑटोटॉक्सिक। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ये कैसी होती है? ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है। ये इतना ज्यादा आंख पर इफेक्ट डालती है, रेड कलर ब्लाइंडनेस, कई बार इसको ऑप्टिक न्यूराइटिस के नाम से भी आ जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस किस, अर्थात एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की वजह से होता है? आंसर में देना इथाम्ब्यूटोल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वन सेशन फॉर फार्मेकोलॉजी। आप लोग, आपको बता दें कि मेरा फुल वाला ये भी स्टार्ट होने वाला है, और साथ में आप OBG का फुल कोर्स भी स्टार्ट है। आप पूरी तरह से यूनिट वाइज सब कुछ अनाउंसमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। होप करता हूं कि आपको पूरा फार्मेकोलॉजी का वीडियो आपको समझ में आया होगा, वो फार्मेकोलॉजी का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप उस चीज़ को समझें और बहुत अच्छे से हर चीज़ को सीखें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपने कमेंट्स, साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि आप प्लेसेंटा नर्सिंग नाम से ऐप को डाउनलोड करके अपने रिव्यू जरूर दें प्ले स्टोर पर जाके उस ऐप के नीचे, कि आपको बहुत सारी चीज़ उसमें फ्री में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।